बहुत शुक्रिया। अजन बदर मुख्तलिफ बयान तवज्जो कीजिएगा, रसूल के खुतबे तारीख कहती है जितने भी नबी थे वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी तकलीफें करते थे, बड़े बड़े लंबे लंबे खुतबे देते थे। तवज्जो कीजिएगा हबीब, क्योंकि रहमत लिल आलमीन है तो उनके खुतबों में भी रहमत थी। जब भी खुतबा देते थे मुख्तसर देते थे, जब भी नमाज पढ़ाते थे मुख्तसर पढ़ाते थे। तफसीरी नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम को भेजा था, उसने लंबी लंबी सूरे पढ़े, उसे वापस भेज दिया ताकि मैं रहमत लिल आलमीन हूँ, जब तुम्हें तफसीरी सूरे पढ़नी हो तो उस पर नमाज में पढ़ा। मालूम नमाजों में बुजुर्गों का ख्याल किया करो, तवज्जो कीजिएगा। वो हबीब, वो हबीब, वो हबीब, वो हबीब जिसकी तकरीर भी मुख्तसर हो, जिसके सजदे भी मुख्तसर हो, जिसकी तकरीर भी मुख्तसर हो, जिसके खुतबे भी मुख्तसर हो, जिसके सजदे भी मुख्तसर हो, लेकिन कमाल हो गया कि कमाल हो गया कि उसके सजदे को दूर हुआ इसलिए हुआ ताकि हुसैन की अजमत दिखाए, खुतबे को दूर हुआ इसलिए हुआ ताकि हबीब में अली की विलायत जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ क्या फरमाया नबी ने, क्या उसने कितना फरमाया था, कितना हमने सुन्नत है। मन को तो मौला फाजा लेकिन मौला गौर कीजिएगा, अगर सिर्फ इतना ही बताया होता तवज्जो कीजिएगा तो हाजी वक्त पर घर पहुंच जाते, हाजियों को इतनी देर हो गई कि हर कोई पूछ रहा था क्या हो गया था इस साल, हर कोई दिल जला देता था अली मौला मुकर, इतनी देर हो गई, इतना तफसील नहीं होता। और खुतबे गदीर में नबी ने सिर्फ और सिर्फ अली की विलायत का इकरार नहीं बल्कि कई चीजों का जिक्र किया, इसमें पांच चीजों का जिक्र करूं अब बात करेंगे। पहली चीज, नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, फिर कह रहा हूं इसलिए मतलब मेरे बाद कोई नबी नहीं लेकिन मेरी नबूवत बाकी रहेगी, नबूवत खत्म नहीं हुई, नबूवत बाकी रहेगी। मेरे पास कोई नबी नहीं है, मैं कातम नबी हूँ, लेकिन मेरे पास अपनी मर्जी न चलाना, जैसे मैं हाकिम था ऐसे ही मेरे पास वो हुकूमत का हक रखता है, जिसकी आंखें मेरी आंखें हो, जिसके हाथ मेरे हाथ हो, जिसका लहू मेरा लहू हो, जिसका बोलना मेरा बोलना हो, जिसकी रजा मेरी रजा हो, जिसकी नाराजगी मेरी नाराजगी। और मैं जुबैर से कह जा रहा हूं कि ये लोग इस बात के मुताबिक नहीं है, ये लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे जुबैर ने बात का पागल किया कि अब किसी भी चीज का इंतजार न करें बल्कि उस हुक्म को पहुंचा दें जिस हुक्म के पहुंचाने का आपको हुक्म दिया गया है। हबीब ने कहा मैंने तुम्हें नमाज बताई, तुम्हें रोजा बताया, तुम्हें हज बताया, और कहेगा हबीब के लफ्जों पर, उस हबीब के लफ्जों पर जिनके लबों पर हवा जल तो कुल हवा इन हुई हवा जिनके बाद की और नदी होंगे, वो फरमा रहे हैं जिब्राइल के रहा है पहुंचा दीजिए, मेरे नमाज पहुंचाई, रोजा पहुंचाया, हज पहुंचाया, जकात पहुंचाया, कुंज पहुंचाया, अमर बिन मारूफ पहुंचाया, नहीं अमर मुनकर पहुंचाया, किसी भी हुक्म को मैंने इतनी देर रोके न रखा जितना मैंने इस हुक्म को रोके रखा है, इसलिए कि मुझे तुम्हारे दरमियान तवज्जो दीजिएगा। ऐसे अफराद नजर आ रहे हैं जिन पर ये आया बिजली बन कर गिरेगा, ये आया ये ऐलान उनके लिए बिजली बन के गिरेगा, जो इस ऐलान को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं ऐलान किए जाता हूँ सुनो, नबूवत का इख्तिताम नहीं हुआ, मैं नबी हूँ, कयामत तक मैं भी नबी रहूंगा, मेरी नबूवत जारी रहेगी, मेरी नबूवत सारी रहेगी, न
नबी नहीं आएगा लेकिन मेरे बाद तुम्हारा मौला अली होगा। तवज्जो कीजिएगा, आपको मालूम होना चाहिए इस आयत के बाद नाज़िल हुई कि आज तो कुफार, आज मुशरिकीन, आज मुनाफिकीन दीन से मायूस हो गए। सिर्फ अली की हिदायत का ऐलान न था बल्कि हबीब ने फरमाया याद रखो मेरे बाद अली होंगे, अली के बाद हसन होंगे, हसन के बाद हुसैन होंगे। और अल्लाह तआला जब हबीब ने कहा मुनाफिकीन की दीन को टाल कर रख दिया, मुनाफिकीन की दीन को फाल कर रख दिया, उनकी उम्मीदों पर पानी भर दिया, फरमाया कयामत तक ये तो होता अली की सुनियत में रहेगा। कयामत सिर्फ अली की विलायत का ऐलान न था बल्कि कयामत तक का ऐलान था। और शख्स ने जिनका नाम आयत सुलैमी नहीं है और कीजिएगा और लुत्फ लीजिएगा तुम लोग का जिन्होंने किताब लिखी अल कबीर, जिनको पैर की तकलीफ थी आज से 20-30 साल पहले पूरी दुनिया का सफर किया, 30-40 साल पहले किताब अली की विलायत पे लिखी कबीर अहमद इब्न हंबल से अली की विलायत को साबित किया, शिवली नौमानी से अली की विलायत को साबित किया, जलालुद्दीन सूफी से अली की विलायत को साबित किया। और कीजिएगा एक शख्स ने कहा जी एक शख्स किसी आम शख्स के लिए कोई काम करते तो वो कुछ न कुछ उससे मांगता है, तुमने कभी अली से कुछ मांगा नहीं। अब अली का जवाब सुनिएगा कहते हैं खुदा की कसम नजफ में रहता हूँ रोज मांगने जाता हूँ बेहतर देखे दुनिया भर में नजर जाती है कुछ नजर नहीं आता, इसलिए अली से अली को मांग के कुछ नजर नहीं आता बेहतर अली से को अली से मांग। तो गदी अंदर नबी का जतीफा था यहाँ पर उसका वजीर नहीं हुआ, उसके बाद नबी ने चुका फरमाया मैंने तुम्हें नबी की फजाल पता है क्योंकि सवाल किया आपने कि हमने कहा जा नाम 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 का या रसूल अल्लाह नाम या रसूल अल्लाह आपने नबी की फजाल बताया अली की फजाल कितने बताए और इस बात को समझाया कितने फजाल बताए कितने फजाल बताए कि अल्लाह जलाल की सूफी कहते हैं जब भी मुसलमान नबी के पास आते थे दुआ करवाने के लिए गौर कीजिएगा ताकि मैं आपको खुतबे गदीर समझा के तकरीर खत्म करूंगा तकरीर को सुनिए इस खुतबे गदीर के इर्द गिर्द घूमेगी आज की तकरीर इस बयान दे रहेगी क्योंकि जब मुसलमान दुआ कर रहे थे या रसूल अल्लाह अदूनी ए रसूल हमारे लिए दुआ करें तो नबी दुआ के लिए हाथों को उठाते थे और के अल्लाहुम्मा बिहक्की अली इक्ज़ हाजत ए अल्लाह अली के सदके में इनकी दुआ को कबूल कर दे का मुसलमानों के दिलों का तमन्ना तू कुलूब मुस्लिम मुसलमानों के दिलों में ये तमन्ना आई कि कभी अली आए और अपने लिए दुआ करवाने आए हमारे वास्ते से तो कहा कि अल्लाह ने उनके सवाल का जवाब दे रहा था रसूल के पास अभी चल के आए कि या रसूल अल्लाह अर्दूनी लिकज़ाए हाजती ए रसूल खुदा मेरे दुआ करें ताकि मेरी हाजत पूरी हो। ये दुआ करनी थी अगर रसूल खुदा ने दुआ के हाथों को उठाया और लोगों ने देखा किसी ने कहा रसूल तेरा वास्ता देंगे किसी ने कहा मेरा वास्ता देंगे किसी ने कहा नहीं अपना वास्ता देंगे किसी ने कहा काबे का वास्ता देंगे किसी ने कहा कुरान का वास्ता देंगे किसी ने कहा सिद्रतुल मुंतहा का वास्ता देंगे किसी ने कहा बैतुल मुकद्दस का वास्ता देंगे लोगों की उम्मतों में पानी फिर गया जब नबी ने हाथों को उठाया अल्लाहुम्मा हक अली एक जहादत अली खुदावंदा अली के सच्चे अली की दुआ को कबूल नहीं खुदा को वास्ता पसंद है या अली का है या मेरा है, मैंने अपना वास्ता इसलिए ले लिया कि मुझे अपने वास्ते से बेहतर अली का वास्ता पसंद है। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर सर मोहतरम ये अली कितने कमाल बताए
इतने कमाल आदत है। फकत इतना ही नहीं, अलावा शोनी रोमानी ने लिखा किताब फारूक में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर उम्मुल मोमिनीन आयशा तशरीफ फरमाती, रसूल खुदा तशरीफ फरमाते, मलाइका की फरमाते और सिद्दीक अकबर बार बार अली को देखे जा रहे थे। उनके पास पढ़ा अलावा शोनी रोमानी के मेरे वक्त नहीं, उनके लफ्ज किताब लिखे उसे नकल कर रहा हूँ। क्या देखे जा रहे थे अली को, देखे जा रहे थे अली को, देखे जा रहे थे अली को, हम फातिमा मोमिनीन में से जनाब आयशा से फकत चेहरे को देखना इबादत नहीं है, बल्कि अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली से मोहब्बत करना भी इबादत है। इतने फलाए बताए, इतने फलाए बताए, फलाए बताए, उसके बावजूद भी जब अली को बोला बना दिया तो लोगों से जुमला था। इस जुमले के लिए आपके सामने दो रिवायत पढ़नी है, मुझे मालूम है इन दो रिवायत को सुन चुके हैं ताकि आपको इस रिवायत की नजाकत समझ में आए। रसूल कुरान ने फरमाया धर्म की खुदा की कसम में खौफ निफाक की बात, लोगों के मुनाफिकत के खौफ से मैंने अपने भाई अली की कई फजाइल छुपा दी। अगर कई फजाइल छुपा दिए, अगर मुझे लोगों की मुनाफिकत का खौफ न होता तो मैं तुम्हें अली के वो फजाइल बताता कि तुम अली के कदमों की खाल को डालकर अपनी आंखों का सोपा बना सको। सूर्य खुदा ने फरमाया ये अली, ये अली, ये अली, ये अली उल मतुल मुस्तफा है, यानी सिराते मुस्तकीम ये अली। उसके बाद क्या किया आपने, आपने कहा खैमे लगा, कमाल के बोला खैमे लगा। आप सुन चुके सबने कहा बखन बखन पत्थर मेरा, ये सारे जुमले आप सुन रहे, मैं आपको जानी हूँ एक अगली मंजिल पे लेता हूँ, मुझसे बहुत कम पढ़ा था भाई भी अली, भाई भी अली सबसे पूछेगा इस हज में अम्मा आशा थी, थी ना तभी तो आज तक वो मकाम उनसे मस्जिद आयशा में थी, तभी तो है सपने बजट की मर्दों ने। रसूल ने कहा खाली मर्दों से काम नहीं चलेगा, अली बोला बने मर्दों के भी और तुम भी अली की बजट बोलते भी करेगी और के भी करेगी। इसी किताब में लिखा है कि नबी ने अपनी जोजात को मुस्तसना किया है, अली की बजट से वो मुस्तसना है जिसके पास ईमान नहीं है, जो मोमिन है अली मुस्तफा सुभान अल्लाह। अली की बैयत हर मोमिन पर है, हर मोमिन पर का आए किसी वक्त भी करें भाई। लोगों ने एक शुरसा बचा या रसूल अल्लाह आपने ने सिखाया महरम ना महरम, बैयत के लिए हाथ का चूमना जरूरी सिखाया था, ये मुश्किल पड़ी है तो मुश्किल का हल अली बताएंगे सुभान अल्लाह। इस मुश्किल का हल नहीं बताएंगे का कैसे होगा, बोला फरमाया पानी का बर्तन रखा जाए, उस बर्तन से पहले मैं हाथ रखूंगा पानी के, मैं हाथ रखा उसके बाद वो और हाथ रखेगी भाई धो जाएगी तब तक होगा। अल्लाह आपकी औलाद और बनी की विलायत से मिला से बने सब बैत करने के लिए आए, सबसे छोटा बच्चा कम से बच्चा जो कदीम की बैत के लिए आया उसका नाम था मोहम्मद इब्न अबी बकर मालिक है। एक रिवायत के मुताबिक एक दिन, दूसरी रिवायत के मुताबिक तीन दिन, तीसरी रिवायत के मुताबिक पांच दिन, जाने जितनी भी रिवायत बताएंगे सब में दिन उम्र हफ्ता में हफ्ते से कम उम्र मोहम्मद इब्न अबी बकर ने को जनाब अस्मा बिन्त उबैद वो बीवी जिसने खदीजा को कुबरा को गुस्ल दिया, वो बीवी जो जहरा के गुस्ल में शहीद रही, वो बीवी जो जनाब जाफर दयाल के अख्त में रही, वो बीवी जो जनाब अमीर अल मोमिनीन के अख्त में आखिर में रही। और जब इंतकाल हुआ तो उनका जनाजा अली के अख्त में था, यानी अली के अख्त में थी, अली के घर में थी, जिसे हसन और हुसैन अपनी माँ के दी थी अस्मा बिन्त उमैस अपनी गोद में मोहम्मद इब्न अबी बकर को लेकर आई, जो एक दिन का था, दो दिन का था, पांच दिन का था, हफ्ते से कम उम्र थी मोहम्मद इब्न अबी बकर लेके आए। तो मैं चाहता हूँ मोहम्मद इब्न अबी बकर को लेकर आई अस्मा ने अली की बहू थी,
मशीन तरीके से रसूल ने बताया था, पानी पे हाथ रखा अली ने, अली ने हाथ हटा लिया, आसमान ने हाथ रखा, आसमान ने हाथ रखा, बैत करी ताकि या अली इंदी इल्तिमास, मेरे पास एक इल्तिजा है रसूल खुदा के भाई से, अस्मा ने कहा मेरे पास इल्तिजा है, तो जनाब अली अल मोमिन ने तब फरमाया बोलो अस्मा क्या है, फरमाया या अली मेरा ये बेटा है, मैं चाहती हूँ इसे अपनी विलायत की बैत में ले ले। अस्मा ने अपने बेटे का छोटा सा हाथ पकड़ा, अली के हाथ पे रखा और अस्मा ने रो के कहा गौर कीजिएगा मेरे बेटे की बैत को ले। बैत अली ने ली और अली ने जुमला कहा अस्मा को विलायत का कमाल दिखा हूँ ताकि दिखाए या अली। फरमाया विलायत का कमाल यह है कि ये विलायत शजरों से निकाल सकती है, जैसे नूह के बेटे ने विलायत का इनकार किया था तो उन्हें शजरे से निकाल दिया था। कुरान ने कहा ये नूह ये तेरा बेटा नहीं है और ये शजरों से डाल सकती है, कर कैसे कर तुम यार बैत करवा ली, ये आज से मोहम्मद मेरा बेटा है, आज से मोहम्मद मेरा बेटा, ये विलायत का अजन मोहतरम नबी की विलायत को आसान न थी। आपने देखा वो बैयत धोए तो अली के इश्क में शहीद, एक शख्स ने कहा मोहम्मद गर्व नहीं लगता तुझे, तो बड़े से बड़ा होता मिल जाएगा, तू बड़े बाप का बेटा है, हुकूमत छोड़ के अपोजिशन के साथ क्यों बेटा है, बच्चों को समझाने की लड़ करूं, क्योंकि जो अली के साथ जमीन पर बेचने का मजा है ना वो दूसरों के साथ तख्त पे है, अली के साथ जो जमीन पर बेचने का अरे हैदरी या सलावत वाह मोहम्मद आमिर मौला ने अपने यार मोहम्मद को मौला ने अपने पास दे दिया और फरमाया मोहम्मद की कब्र पर नजर लगा खुतबा बरकत होगी कल इंशाल्लाह नजर लगा कर दरवाजे से मौला ने क्या फरमाया, मौला ने फरमाया कि मोहम्मद मेरा बेटा है और आपको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद उन लोगों में से है जिनकी शहादत हक की गवाही खुद अली कभी उसके बाद क्या किया बैत हो गई, बैत होने के बाद क्या सिलसिला खत्म हो मेरा इश्क खुतबे रवि रसूल खुदा ने पूरा मुकदमा बताया कि मैं अपनी मदरसे की जगह अल्लाह की मदरसे गए, उसकी दलील क्या थी, उसकी दलील ये थी कि जिसने इनकार किया उस पर वहां पर पत्थर लगा जहां पत्थर न लगने का वादा था, कुरान का वादा था कि रसूल तेरी तेरी जिंदगी में अजाब नहीं आया लेकिन रसूल की मौजूदगी में अजाब आया, और याद रखिए अजाब उस पर आया जो लाइला पढ़ता था मोहम्मद रसूल पढ़ता था सिर्फ अली जो मदीना पहनता है उस पर अजाब, उसके बाद अगली मंजिल बैत का क्या सिलसिला खत्म हो गया, इसके बाद रसूल ने और भी तरीज की और भी तरीज क्या बताया आज से अली को मोला कहकर सलाम करना, अली को जब भी सलाम करना मौला कहकर सलाम करना, क्या आप सलाम हो गए अली को तो मौला जी को सलाम करना नहीं करो मना नहीं। अगला जुमला सबसे अहम है जो इस तकरीर का हासिल मकसद आपके बारे में आपने फरमाया ए जिब्रील गवाह है, ए मीकाईल गवाह है, ए इज़राइल गवाह है, ए अल्लाह के फरिश्तों हुए हुए गवाह रहना जो खुदा का हुक्म मेरी गर्दन पे ताकत वजह कीजिएगा, मेरी गर्दन पे था, मेरी गर्दन पे ताकत वजह कीजिएगा रब सुन कर मेरी गर्दन पे था और मुझे हुक्म था अगर मैंने ये नहीं पहुंचाया तो मेरा रिसालत का कोई काम न किया, मैंने वो पहुंचा दिया, अब जो हुक्म मुंतकिल हो गया मोमिनों तक अब जो भी कलमा हो सब कुछ उसी का ना किसी भी आमाल की इबादत की कोई जिसके लिए दिल में अली एक शख्सता बड़ा अजीब सवाल है इस दलील के हवाले से अल्लाह सात इमाम के पास आया टाइम जो है बहुत है सात इमाम के पास आया और आप उससे बड़ा अजीब सवाल है मुझे बहुत पसंद है उसको बहुत पसंद है उसका जवाब ही बहुत आसान है सवाल इसलिए पसंद है ये सवाल लोगों की जमीरों को झुकझुर
और जवाब इसलिए पसंद है कि जवाब का काम कभी दे सके। उसने कहा कि फर्जंद इमाम है, फर्जंद रसूल है। आप कहते हैं अली की विलायत का ऐलान हुआ था, मान लेते हैं, लेकिन ये कैसे हुआ कि साहबा ने इस बात से रूबरदा नहीं कर दी, साहबा ने नमाज से रूबरदा नहीं की, रोजे से रूबरदा नहीं की, हज से रूबरदा नहीं की, जहां पर माल का मसाला ज़कात उससे रूबरदा नहीं, जहां पर और चीजों का मसला है बता भी किया, तुम क्या कह, तो कभी मुझे मेरा दिल नहीं मानता। एक बात जो इतने बड़े मजमे में हुई उसे लोग इनकार करते, उसका लोग इनकार करते, कैसे मुमकिन बात, उसका इनकार किया जाता है जो अकेले में की जाए, किसी कमरे में की जाए, कमरे देखे नहीं तरह देगी, जो गुजरे में की जाए उसका इनकार बनता है। लेकिन मेहरबान ने कहीं भी बात का लोगों ने इनकार कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता। आपने कहा अजीब जुमला फरमाया, देखो गौर करो, खुदा ने अली की विलायत का ऐलान कितने नबियों से करवाया, नहीं कर देंगे कितने नबियों से करवाया, एक नबी मौलाना ने फिर पूछा कितने नबियों से करवाया, एक नबी से मौलाना ने कितने नबियों से करवाया, एक नबी से बराबर आपने पूछा क्या एक नबी से, फरमाया खुदा ने अपनी तौहीद का ऐलान एक नबी से नहीं 124,000 नबियों से करवाया, उसके बावजूद भी दुनिया में उसके इनकार करने वाले मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक नबी का ऐलान हो तो उसके इनकार की तादाद ज्यादा हो सकती है। अब मौला ने बातों को जमा करते हुए कहा, सुनो कुछ लोग ऐसे हैं जो मैदान में थे लेकिन अली की विलायत मोहब्बत रखने के लिए एक ही शर्त है कि जिसकी विलादत पाक हो, जिसकी विलादत पाक हो, बाकी सब बराए अज़मत हो, खुशनूदी है अली औलाद अली अलैहिस्सलाम, बाबा ज़बरन सलवात। मौला की विलायत का ऐलान कभी नहीं याद। अब सवाल यहाँ पे आखिरी बात आज की तकरीर के अंदर, क्या गदीर के बाद नबी करीम कितना अच्छा चल रहा, 2 महीने 10 दिन कितने दिन बनते, 80 दिन बनते, तो 80 दिन शिया सुन्नी सब मुत्तफिक, इन 80 दिनों में नबी ने ज्यादा सफर नहीं किया, ज्यादा अच्छा मदीने नहीं, सफर के दिन भी निकाल दिए, कम अज कम 7 दिन नबी का आगे और कीजिएगा और कीजिएगा रुख कीजिएगा सुन लेगा कहा रहे मदीने में, मदीने में इन 7 दिनों में नबी ने नबी की तबली के सब बस इस बात को सुनता आया तबली की या नहीं, जो इतना अहम मैदान था कि उसके लिए इतने मुकदमे बांधे, इतनी बातें की, सब कुछ किया, अब 7 दिन 80 दिन को बनते 2 महीने 10 दिन, उसमें 10 दिन आप सफर के निकाल दें, सफर की थकावट के निकाल दें, अलादत के निकाल दें, 7 दिन फिर बच, इन 7 दिनों में आपने क्या तबलीग की, तवज्जो कीजिएगा 7 दिन में नमाजें बनती हैं 300 नमाजें, अगर अलग अलग करके 5 वक्त पढ़ी जाए, अगर 3 वक्त पढ़ी जाए मिला के 180 बनती है, 300 नमाजें बनती हैं, 300 नमाजें बनती हैं 7 दिन में, सफर के अदालत के दिन निकाल कर गौर कीजिएगा, अल्लामा सजलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा
और साहिब जनाब मुअत्तल लिखते हैं, जब भी नदीम के बाद रसूल मस्जिद आते थे तो मस्जिद ना आते थे, पहले अली के दरवाजे पे जाते थे और अली के दरवाजे पे जाकर रसूल अली के दरवाजे पर डबल बात करते थे और डबल बात करने के बाद आए तो तकबीर पढ़ के कहते थे, आ जाओ मोमिनों के बोला आ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है, मोमिन तुम्हारा इंतजार। बदीर, और जब बदीर क्या किसी सहाबी ने नहीं बोला, एहतियाजी के दिल से मेरे खुतबा मौजूद था जनाब सलमान फारसी। कौन सलमान? वो सलमान से रसूल खुदा ने कहा, आज भी आप सलमान के रोजे पे जाए बताए नहीं, अल्लाह को नसीब करे फारसी नहीं लिखा। अगर आप किसी को पूछे मुझे सलमान फारसी के रोजे में जाना है, लोग कहेंगे कौन? आज भी मालिका हुआ सलमान मोहम्मदी। फारसी तब तक था जब तक मोहम्मद ने अपना न किया था, जब मोहम्मद ने कह दिया सलमान तुम हमारे, अब सलमान मोहम्मदी। और कीजिए इतने बड़ा सलमान था, सलमान एक दिन मदीने के बाद तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया और आकर सलमान, मैंने सुना है एक अली नामी शख्स जिसकी दुआ कबूल हो जाती, मैंने सुना है उसकी दुआ से मुर्दा भी जिंदा हो जाता। और कीजिएगा, और कीजिएगा, क्या ये ईसा है? मुझे हैरत इस बात की कि जैसे किसी की दुआ से मुर्दा जिंदा हो जाता है। सलमान मुस्कुराए और फरमाया, इतनी छोटी बात पर हैरत करता है? इतनी छोटी बात पर हैरत करता है क्यों? इतनी छोटी बात क्या है? बड़ी बात। ठीक है, इसका मेरे हवाला दे दी बात पूछने का, आयतुल अमीनी साहिब बदीर ने इस बात को लिखा है और उसके अलावा आशिम बहरानी साहिब अक्षर बुरहान ने भी इसको लिखा। तो हमारे आपके हवाले करेंगे तीसरा वाला तकरीर उसकी बाकी के बाद पहले तो हवाले चलते हैं। तुम्हें हैरत है? बिल्कुल हैरत, किसी के द्वार से मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है? ताकि अली अली की द्वार से जिंदा हो सकता है। तकरीर मैं नहीं मान गया। नौकर हूँ, चलो बुढ़े को जिंदा करो। मैं भी यहाँ पे आपको रोक के गुजारिश करूँ, जवाब हो सकता रोक कर मुसल्ला बिछाया। सलमान कैसे दुआ करते हैं? मैं आखिरी बजे तक के बजे जाऊँगा, लुत्फ आएगा, पूरी तकरीर का इख्तिताम हुआ और तकारीब का इख्तिताम हुआ जहाँ पर रुककर की तकरीर बारगाह में कहा कि तुम्हें मुसल्ला बिछाने की क्या जरूरत थी? सलमान की दुआ से वैसे कबूल हो जाता, सलमान ने मुसल्ला बिछाने को बता दिया। अली का चाहने वाला प्यार करता है, मिंबर से प्यार करता है, न मुसल्ले से दूर होता है, न मिंबर से दूर होता है। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद दुआ के लिए बताया, एक कर देखेगा हाथ को उठा के दुआ की, अल्लाह हमारी हकी मोहम्मद वाली है और फातिमा और हसन और हुसैन और इस सदर लिबास में जुर्जत हुसैन, ए अल्लाह अपने हक से, रसूल के हक से, अली के हक से और फातिमा के हक से, हसन और हुसैन के हक से और हुसैन की नस्ल से नौ मासूम बच्ची, ये कहकर सलमान ने दुआ की। दुआ खत्म करके अब मुर्दे से मुखातिब हो, तवज्जो कीजिएगा, मुर्दे से कौन कौन की जमे ला ही व कौन कौन की जमे रसूल ही व कौन कौन की जमे वली अली व कौन कौन की जमे अब्द अली सलमान। ये मुर्दा उठ अल्लाह के हुक्म से, रसूल के हुक्म से, उसके वली अली के हुक्म से, उठ अली के बोलकर सलमान के हुक्म से। वो शख्स के तह कब्र थकी, मुर्दा बाहर आया, मुर्दे की जबान ने कहा, आईन जबली ने तवज्जो चाहूंगा आपकी, आईन जबली मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है? सलमान के सामने उस शख्स में हैरत सदा हुआ, कहता सलमान मैंने तुम्हें माना, तुम्हारे अली को माना, अली की नबी को माना, नबी को खुदा
सलाम माना, लेकिन ये बता ये ऊँट फूट करता हुआ क्यों होता है? तो सलमान मुस्कुरा कहते मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने अली से सुना था इंसान जब कब्र सोचेगा उसे याद करेगा जिससे मोहब्बत होगी, जब मरा होगा इसकी मोहब्बत क्यों ऊँट से, तो ये ऊँट फूट करता हुआ होता है। तो सलमान के साथ हाथों को जोड़ के कहता हूँ सलमान ये ऊँट फूट करता होता कोई बकरा बकरा कर सोचेगा, कोई किसे याद कर सोचेगा, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, जब हम कब्र सोचेंगे या अली अली करके उठेंगे या हुसैन हुसैन। नारा हैदरी या अली पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवा अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये खुतबा नबी के बाद ये नबी का जब कमाल हुआ कोई भी अली के चाहने वाला बात सबने भाई का कहना भाई, लेकिन सलमान के सलमान इसलिए गए तक हक सुना और भी और भर भी का इंतजारी टेंडेंसी में ये खुतबा मौजूद है सलमान का, जिसका सिर्फ एक जुड़ा पढ़ के बात उसका नाम सलमान वहां मौजूद है और सलमान ने जुमा कहा लोगों तुमने आज अपना साथ जुर्म तुम्हें अल्लाह ने नेमत दी नेमत अली की सुन्नत नहीं, तुमने अली को छोड़कर बलाओं का इंतखाब किया, अगर तुम अली को अपना मौला मान तो तुम्हें दर दर भटकने की वो भी तुम्हारे पास तरफ कर आ जाते हैं, तुम्हारे लिए खालिद मन सदा नाजिल बना, आज तुम दुनिया में भटक गए बिखर गए, आज अपने लिए तुम्हें जिल्लत का सामान करना आजादा हो। जब अली की विलायत का हक कसर हुआ ना उसके बाद अली का एक और हक भी हासिल हुआ, वो क्या था? जब नबी आते थे ना जनाब बिलाल हबशी से रवायत कहते हैं कि जब आते थे अली के दरवाजे पर कुरान खत्म किया अली का दरवाजा आयशा से बचा और कहा कि मुझे हुक्म दिया कि बिलाल कभी इस दरवाजे को जोर से ना बजा, ये दरवाजा खुदा को बहुत पसंद है, इस दरवाजे का एहतराम करना, फिर क्या होगा किसी ने ठोकर मारी थी और वो चलता हुआ दरवाजा नबी की बेटी के पास गिरा था। अब गुजर और बिलाल रो रो कर दोनों रिवायत करते हैं, कहते हैं जो दरवाजे को फिजा ने हटाया ना दरवाजे के नीचे उसे नबी की जख्मी बेटी ने तो करके बेटी की फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। या जहरा आजादारो आज आज याद उस बीवी का मसाइल जब इमाम हुसैन ने एक शायर के हैं जिनका नाम है अब्दुल जहरा काबी, इमाम हुसैन का मसाइल पढ़ते थे, उसे मौला ने कहा अब्दुल जहरा मेरे बचपन का मसाइल क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि मौला मैं पढ़ता हूँ का क्या पढ़ते हो, अगर मैं पढ़ता हूँ एक शेर था उसका नाम मदीना था, जब तक मोहम्मद थे तब तक अली के दरवाजे का एहतराम था, बाद में मोहम्मद उस दरवाजे को लोगों ने जला दिया और वो दरवाजा सहारा के पहलू पर गिरा, उसके बाद अली को गिरफ्तार करके ले गए रोड लाए नहीं मालूम आप किस दूर का इंतजार कर रहे हैं, सहरा का एहतराम बाजार हुआ सहरा के रोने पे पाबंदी लगी, ये सारे मसाइल बताए सहारा ये मसाइल जो बाबा की और माँ के हैं ना मेरा नहीं है, लेकिन मौला आपका मसाइल क्या है सीधा फटता है इस रवायत को पढ़ते हुए, मौला फरमाते हैं अब्दुल जहरा मेरी मुसीबत ये है जब मेरी माँ जख्मी हुई ना ये लोग मेरे बाबा को गिरफ्तार करके ले गए, मेरी दो बहनें थी एक का नाम ज़ैनब था एक का नाम अल्लाह की आवाज़ पर एक मिलता है मेरा भाई हसन था, हम रो रहे थे और सोच रहे थे जख्मी माँ को उठाए या कैदी बाबा के पीछे लाए या रोती हुई बहनों को सहारे, अब तो जहरा वो मजबूत किसने माँ को दादिया ना डाला था उसी ने जुल्फों में हाथ डाला, अब तो जहरा नाबी की बेटी कहती है मेरा बाबा उठा, मौला हुसैन की रुखसत किया
था तमाचा फकत सकीना ने खाया था मुझे क्या पता आपका भी तमाचा जरा जरा आजा जरा सुन लो कहीं पर गए नहीं पर मैं नहीं पर दरबार कैसे चला दरबार कैसे गई बस इतना फर्क था दरबार का जब दरबार गई थी ना बाल सफेद रखी बाल सफेद हो चुके थे और ये कहती भी आई आज सहारा जख्मी हो गई और आप सब ने नमाज पढ़ना शुरू की मेरी तरफ देखेगा जब नमाज पढ़ना शुरू की बीवी ने बीवी फलूक पे पहुंची बीवी ने फलूक में दोनों हाथ पर उठाया उठाने के बाद बीवी ने बात करीब की तरफ चला गया जब दोबारा जब नमाज पढ़ना थी एक बात उठा दी थी दूसरा नहीं उठा सकती थी एक दिन माँ हसन ने कहा माँ मैंने नाना को नमाज पढ़ते हुए देखा था वो दो हाथ उठाते थे मैंने बाबा को देखा था वो दो हाथ उठाते थे मैंने आपको देखा था दो हाथ उठाते थे अब एक हाथ क्यों उठाती है बीवी ने बेटे को गले से लगाया फरमाया दुआ करो तो यकीन सारा यकीन हुई है सारा का हाथ उठाना तो चाहती हूँ लेकिन कुल फुल का दासिया बाबा जिन हाथों को छूटा उस हाथों से ताजिया ने खाके आई दूसरा जुमला सुनेंगे के बाबा जिस दरबार में एतराम में खड़ा होता था मैं जब आपके पास गई थी मेरे नौकर कुर्सियों में बैठे थे जहरा खाई रही बाबा किसी ने मुझे भेद रुकना कहा बस अगर तीसरा दिन इतना सख्त था कि नबी की कब्र हिलती थी बाबा जिस दरवाजे का एहतराम करता था वो तेरे बाद चला दिया का सारा घबरा नहीं सारा घबरा नहीं मैं एक बेहतर हुजूर बना देता हूँ दो या चार मिनट आप गुजार कर तमाम मैं एक बेहतर हुजूर बना देता हूँ उस बेहतर हुजूर में जाकर रोना असादार आती थी बेहतर हुजूर में आके रोती थी कैसे रोती थी मालूम है जो बच्चे थे एक तरफ हसन होता था एक तरफ हुसैन होता था बच्चों को सीने से लगाती थी बच्चों से कुछ भी बच्चों जो किसी ने नाना का प्रसाद दिया है बच्चे के तो नहीं हमारा नहीं दिया इस गाँव बच्चों ने तो नाना का प्रसाद इस गरीब माँ का एहसान करो मुझे किसी बाबा का भरोसा नहीं दिया आओ मुझे मेरे बाबा का भरोसा दो असलदारों बच्चों के साथ आती थी जाते जाते रोटी थी एक दिन जनाब एस्मा रखियो मेस इनका मैंने फजाइल में जिक्र किया वो आई बड़ा करता जहरा जी जहरा बच्चों के सामने न बोलो कभी जहरा जब रोने का दिल हो मुझे बुला लिया करो मुझे सीने से लगा के रो लिया करो बच्चों के सामने नजर रहा करो बीबी ने कहा अस्मा तू मेरी माँ की दोस्त है आज मेरे सीने से लगता अस्मा तेरा शुक्रिया है कि तू मेरे पास चल के तो आई अभी तक कोई गुल सजे नहीं आया अस्मा जो भी आया कोई दरवाजा चलाने आया कोई धमकियां देने आया कोई मेरे लेकिन मैं बच्चों के सामने क्यों न रहूं क्या कसमा बच्चों के दिल नाजुक होते हैं जब मायर होती है ना बच्चों के दिल फट जाते हैं बीवी के कसमा मैं बच्चों से दुख तब छुपाऊं जब मेरे बच्चों ने मेरे दुख देख लिया कसमा मेरी ज़ैनब देख रही थी जब फिजा ने दरवाजे के नीचे से निकाला था कसमा जब पूरा लगा था हसन ने देखा था जब तमाचा खाया था हुसैन मैंने अम्मा को बुलाया था अपनी दुआ कीजिएगा और आपको वहीं पर ले जाए और आपको जो बंगला दिखाए और आपके रोजगार में बेहतर दे और आप घर को कबूल करें बीवी के सदके में भाई ने बहन से बहन ने भाई से पूछा भाई अम्मा की याद कहाँ कहाँ आई भाई ने कंधे में गले बहन मैंने बुलाया तब था कि अम्मा की याद आ गई हम बोल कर भाई की याद आई कहे भाई जाओ याद कब आई भाई ने कहा बहन देखो
थी, मेरा गला खुश है ना, जब उसने खंजर चला रहा था मुझे अम्मा की बहुत याद आई। थैंक यू, थैंक यू, कैसे नहीं है मेरी माँ सिराने पानी रख के सभी मुझे याद आई, काश मेरी माँ होती। जब अरबों के भारी घोड़े मेरे जिस्म पर घोड़े